यूट्यूब चैनल के अंतर्गत पार्लियामेंट वन जिन्होंने देखा होगा उन्होंने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद वहां हम लोगों ने राज्यसभा डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने लोकसभा डिस्कस किया था। अब सम्मिलित रूप से संसद के अंदर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड और क्या क्या चीजें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संसद को अगर हम सम्मिलित रूप से देखें, इसके अंतर्गत हम राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति कंबाइन करके हम देखते हैं, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें जो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी संसद सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है, क्यों होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारी संसद को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है भारत के अंतर्गत, संसद को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सदस्यों को भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो वो क्या स्पेशल प्रिविलेज है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट में तमाम बिल्स या विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, तमाम प्रकार के प्रस्ताव या मोशंस प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट की कमेटीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन आज हम देखते हैं कि सेकंड सेक्शन के अंतर्गत क्या चीजें कवर होती हैं, इससे इंपॉर्टेंट उस ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दिशा परिवार के सभी मेंबर्स सभी सदस्य ध्यान दें कि उनको जो है ये जो पढ़ना है उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि उनको टेस्ट भी देना है और आगे जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आपको अपनी क्लासेस में भी इस समय की सारी गतिविधियों को आपको प्रस्तुत करना होगा कि हाँ हमने किस माध्यम से कैसे तैयार किया है। तो पार्लियामेंट में अब हम सबसे पहले देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य के अंतर्गत। तो अब हम बात करेंगे संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य के बारे में दो बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक योग्यता क्वालिफिकेशन, योग्यता या क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, दूसरा अयोग्यता, अयोग्यता या डिसक्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो योग्यता है वो आर्टिकल या अनुच्छेद 84 में दी गई, 84 में दी गई, 84 के अनुसार, आर्टिकल 84 या अनुच्छेद 84 के अनुसार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य, ये अब चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों के लिए एक तरह से, तो ये लोकसभा सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 84 के अंतर्गत क्या कहा गया, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसकी पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरी चीज है न्यूनतम आयु मिनिमम एज, मिनिमम एज अब दो है, लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में अलग है, लोकसभा में 25 वर्ष है 25 ईयर्स और राज्यसभा में मिनिमम आयु या एज कितनी है 30 वर्ष, ठीक है। अब तीसरा है संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा ध्यान दीजिएगा, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, इसका मतलब कि हमारी संविधान ने अंडर आर्टिकल 84 दो क्वालिफिकेशन तो डिसाइड कर दी, कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया और मिनिमम एज 25 एंड 30, ठीक। अब इसके बाद उसने किसके ऊपर छोड़ दिया, पार्लियामेंट के ऊपर,
कि अब इसके अलावा जो योग्यता होगी वो संसद निर्धारित करेगी। तो संसद कैसे निर्धारित करती है? कानून बनाकर, विधि बनाकर। तो संसद ने इसके लिए कानून बनाया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इसके अंतर्गत संसद ने जो निर्धारित किया इसकी योग्यता में, जैसे वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना, पागल मेंटली फिट नहीं है, दिवालिया यानी कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति, तो वह पागल या दिवालिया ना हो। नेक्स्ट, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। यह बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई योग्यता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यह माना जाएगा परमानेंट सैलरी ले रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है बट यहां पर हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लाभ के पद पर ना हो। तीसरा, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ना किया गया हो, डिसक्वालीफाई ना किया गया हो, उसे निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन द्वारा कभी डिसक्वालीफाई ना किया गया हो। अब ये इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे उसको नौकरी में रहा, भ्रष्टाचार का प्रयोग किया, या किसी आपराधिक मामले में जो है उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई, तो ऐसी कुछ भी उसके कारण रहे, उसने छुपाया हो, निर्वाचन आयोग ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो अंडर आर्टिकल 84, ये 3 चीजें थी जिसमें से 2 चीजें संविधान में निर्धारित थी और 1 संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। संसद ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्धारित किया। अब हम आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य की अयोग्यता। तो संसद सदस्य की अयोग्यता सबसे पहले आर्टिकल 101 में निर्धारित की गई, 101 के अंतर्गत अयोग्यता का निर्धारण 2 आधारों पर किया गया है। पहला, दोहरी सदस्यता के आधार पर, ड्यूअल मेंबरशिप के आधार पर, दोहरी सदस्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल मेंबरशिप। दूसरा, अनुपस्थिति के आधार पर, एब्सेंस के या अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर। तो आर्टिकल 101 के तहत यहां पर जो अयोग्यता निर्धारित की गई है वो आपके सामने आ गई कि कौन से आधार पर निर्धारित की गई है। तो उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहां पर दोहरी सदस्यता के आधार पर कहा गया कि अयोग्य हो सकता है 101 के अंतर्गत। दोहरी सदस्यता कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोकसभा का मेंबर राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो एक निर्धारित समय है, 10 दिन या 14 दिन एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय के अंतर्गत उसे निर्वाचन आयोग को सूचित करना होगा कि मैं किस सदन का सदस्य रहना चाहता हूं, अन्यथा उसकी एक सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एक हाउस से। अगर कोई मेंबर, कई बार आपने देखा होगा एक बड़ा नेता कोई होता है तो वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है, दोनों जगह से वो जीत गया तो 2 जगह से सदस्य हुआ ना, दोहरी सदस्यता हुई। अब उसे 10 दिन के अंदर यह सूचित करना पड़ेगा कि, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने आप से कैसे जानेगा कि उसे कहां का सदस्य रहना है, तो उसे 10 दिन के अंदर यह इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं कहां से सदस्य रहना चाहता हूं, कौन सी सीट से मैं त्याग देना चाहता हूं। तो अगर नहीं करता है तो दोनों जगह से उसकी सदस्यता
समाप्त हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसा कारण दोहरी सदस्यता का हो सकता है। अब ऐसे और भी हो सकते हैं, विधानसभा के लिए चुन लिया गया या फिर वो विधान परिषद के लिए चुन लिया गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो दोहरी सदस्यता के कारण उसको एक मिनिमम टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, जिसके अंतर्गत उसे बताना होता है। अब हम बात करते हैं अनुपस्थिति के आधार पर, एब्सेंट होने के आधार पर। तो देखिए अनुपस्थिति के आधार पर यहां पर यह है कि यदि कोई भी मेंबर, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर वो निरंतर 60 दिनों तक, रेगुलर 60 दिनों तक अधिवेशन चल रहा है और वो गायब मिलता है, तो 60 दिनों तक उसे अगर वो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसके आधार पर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है 1985 में, आप इस समय के एक चर्चित नेता जिनको आप जानते होंगे, बीजेपी के नेता है श्री सुब्रमण्यम स्वामी। तो 1985 में उनकी राज्यसभा सदस्यता इसी अनुपस्थिति के आधार पर समाप्त हुई थी। तो ये एक उदाहरण के रूप में माना जाता है अनुपस्थिति या एब्सेंट होने के आधार पर। अब अगर हम बात करें यहां पर कि जो है दूसरा क्या आधार है अयोग्यता का, तो वो है अंडर आर्टिकल या अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अयोग्यता किस कारणवश हो सकती है। यहां पर कई कारण हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी भारतीय नागरिकता, उसकी इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई, उसकी इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता किसी कारणवश समाप्त हो गई है, ठीक। दूसरा, उसने किसी लाभ के पद को प्राप्त कर लिया, उसने किसी लाभ के पद को प्राप्त कर लिया होगा, भाई पहले नहीं था, बाद में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आ गया। तो ऐसा कोई भी पद है जो सरकार के अधीन है और उसने प्राप्त कर लिया, तो उसने किसी लाभ के पद को प्राप्त कर लिया, ये एक रीजन हो सकता है। तीसरा, वह पागल या दीवालिया हो गया, वह पागल या दीवालिया हो गया। नेक्स्ट, उसे 2 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट या दंड प्राप्त हुआ हो, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा, इसमें कोई स्टे नहीं है, उसे प्राप्त हो गया है, तो 2 वर्ष से अधिक का दंड प्राप्त हुआ हो। इसके अलावा संसद के अधिनियम या कानून के आधार पर, संसद के अधिनियम या कानून के आधार पर, जैसे अब यहां देखिएगा, अब देखिए 101 में डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता दोहरी सदस्यता या अनुपस्थिति के आधार पर, 102 में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई, उसने किसी लाभ के पद को प्राप्त कर दिया, वह पागल या दिवालिया हो गया, उसे 2 वर्ष से अधिक के दंड का प्रावधान हो गया न्यायालय द्वारा, संसद के अधिनियम या कानून के आधार पर, जैसे अब संसद का अधिनियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या कानून, इसी तरह से दल बदल निषेध अधिनियम, पार्टी चेंज करने का या दल बदल निषेध करने का, प्रोटेक्ट करने का कानून, कि अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसकी भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इन कानूनों के अंतर्गत उसने अगर ऐसा कुछ किया है जिससे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में
बताया गया कि किन किन बेसिस पर कोई क्वालिफाई करता है या कोई डिसक्वालिफाई करता है। अब यहां पर एक चीज और इसके नीचे आएगी जो सामान्य रूप से एक नोट क्लास में मैं नोट के अंतर्गत बताता हूं आपको कि इसमें अब अयोग्यता का निर्धारण डिसक्वालिफिकेशन या अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो अयोग्यता या डिसक्वालिफिकेशन का निर्धारण जो है वो दो चीजें हैं। सामान्य स्थिति में यानी अन्य सभी स्थितियों में अयोग्यता या डिसक्वालिफिकेशन का निर्धारण, सामान्य मतलब सभी स्थितियों में निर्धारण, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो सामान्यतः सभी, अगर ये पूछा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा डिस्क्वालिफाई होगा, राष्ट्रपति द्वारा, किसकी सलाह से होगा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की सलाह से होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यदि अयोग्यता अनुपस्थिति, एब्सेंट होने या अनुपस्थिति व दल बदल के आधार पर है तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, सदन के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर या सभापति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जनरली हम ये कह रहे हैं कि अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। लाभ के पद पर चला गया, पागल या दिवालिया हो गया, नागरिकता नहीं रही, इन सब आधारों पर अयोग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सलाह से कर रहा है, निर्वाचन आयोग की सलाह से। यदि अयोग्यता, अब सदन में एब्सेंट हुआ, किसको अधिकार दिया गया, उसके स्पीकर को, उसके मॉनिटर को, उसके सभापति को, लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में वो सभापति है, उसको दिया गया। अगर पार्टी चेंज किया, दल बदल किया है उसने, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा, वो सदन का अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। अभी आपने लेटेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का देखा होगा कि विधायकों की भागदौड़ मची हुई थी, मामला किसके पास था, विधानसभा स्पीकर। तो जैसे ये लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के पास है, वैसे विधानसभा में किसके पास होगा, विधानसभा स्पीकर के पास होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे आपके सामने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आ गए। अब इसके बाद हम पार्लियामेंट से रिलेटेड अगले पॉइंट पर आते हैं। संसद में अगली चीज जो महत्वपूर्ण है वो है संसदीय विशेषाधिकार, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो अब हम बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि विशेष अधिकार, स्पेशल राइट। आखिर क्या स्पेशल प्रिविलेज है हमारी पार्लियामेंट को, क्या स्पेशल प्रिविलेज है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, हमारी संसद के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 105 दो प्रकार के विशेषाधिकार है। एक व्यक्तिगत
विशेषाधिकार, इसको समझना है, इसको आपको रटना नहीं है, बस ये आर्टिकल रटना है बस, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सॉरी व्यक्तिगत विशेषाधिकार, देन सामूहिक विशेषाधिकार, सामूहिक मतलब सदन का विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार। तो एक कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है। तो देखिए हमारे पार्लियामेंट जो विशेषाधिकार मिला है वो किस आर्टिकल के तहत, 105 के तहत मिला। व्यक्तिगत मतलब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में उसे क्या विशेषाधिकार मिला है, और सामूहिक का मतलब हमारे सदन को, हमारे हाउस को क्या विशेषाधिकार मिला है। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार दो प्रकार का है, ये दो प्रकार का है, एक है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टेशन, तो अरेस्ट करने से या गिरफ्तारी से संरक्षण। अब कैसे है इस पर आते हैं, देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या मिली है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि सदन के अंदर लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों हाउस के लिए है, कि सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी सदस्य को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कई बार आप देखते होंगे हमारे संसद सदस्य जो है संसदीय गरिमा का हनन कर देते हैं, और किसी भी एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, तो वहां पर जो भी होना है वो स्पीकर निर्णय करेगा, उसे न्यायालय में, सदन में कही गई बात को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये उनका प्रिविलेज है कि वो सदन में किसी को कुछ भी कह रहे हैं, बस उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो हमारे जुडिशरी को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को लेकर वहां कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। इसके अतिरिक्त वो न्यायालय के अतिरिक्त अगर कोई भी बात सदन के अंदर करते हैं तो उसके लिए उन्हें न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, यानी पूरी तरह से स्पीच और एक्सप्रेशन उनको फ्रीडम दिया गया है, कहा हाउस के अंदर, लोकसभा मेंबर को लोकसभा में, राज्यसभा मेंबर को राज्यसभा में। अब गिरफ्तारी से संरक्षण, ये दो प्रकार का है, यहां भी दो प्रकार से संरक्षण की बात की गई, एक सिविल मामले, सिविल मामले, दीवानी मामले, जमीन जायदाद से रिलेटेड मामले, दूसरा आपराधिक या दीवानी मामले, सॉरी आपराधिक या क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले तो क्रिमिनल केसेस। तो अगर कोई सिविल मामला किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ है, कोई प्रॉपर्टी का केस है, कब्जे का, कुछ भी ऐसा केस है, तो सिविल मामले के अंतर्गत प्रावधान यह है कि अधिवेशन जो सदन का चल रहा है, अधिवेशन के 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक, अधिवेशन के दौरान तो है ही है, अधिवेशन से 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक अध्यक्ष या स्पीकर की अनुमति के बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझिएगा इस बात को कि अगर कोई सिविल मामला किसी संसद सदस्य के ऊपर दायर होता है तो उसके तहत ये प्रावधान है कि कोई संसद का अगर सत्र है तो उसके 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक बिना अध्यक्ष की अनुमति के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गिरफ्तार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट स्पीकर या अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
अब बात आती है क्रिमिनल केसेस या आपराधिक मामले, फौजदारी मामले, इनको दीवानी मामले कहते हैं, इनको फौजदारी मामले। तो ये फौजदारी मामले या आपराधिक, कोई मर्डर का केस हो गया, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया, तो ऐसे मामले में जो है वो अधिवेशन के पहले या बाद में कोई छूट नहीं है। केवल छूट कब है? अधिवेशन के दौरान। अधिवेशन के दौरान किसकी अनुमति चाहिए? स्पीकर की अनुमति। तो अगर कोई क्रिमिनल केस है तो अधिवेशन के पहले या बाद, 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, किसी भी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। अगर अधिवेशन जो है हो गया है, मतलब शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, तो अधिवेशन के दौरान अगर क्रिमिनल केस कोई है तो स्पीकर की अन्यथा से ही गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये हो गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में कैसे उसको प्रिविलेज मिला है या विशेषाधिकार मिला है। अगर हम यहां पर सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें तो एज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक सदन के रूप में, एक हाउस के रूप में हमारी पार्लियामेंट को क्या अधिकार मिला है? तो एक हाउस के रूप में पहला अधिकार जो मिला हुआ है, पहला राइट जो मिला हुआ है कि संसद अपनी अवमानना के लिए, अवमानना के लिए दंड या पनिशमेंट दे सकती है। संसद अपनी अवमानना के लिए दंड या पनिशमेंट दे सकती है किसी को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक, ठीक है। ये अगर अब संसद में कई बार आप देखते होंगे कि ऐसी गतिविधियां होती हैं जो असंसदीय होती है, कहा जाता है कि इसको संसद की बात। अब न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं? न्यूज चैनल वालों ने लाइव, दूरदर्शन से कांटेक्ट है लाइव, आजकल राज्यसभा लाइव है, लोकसभा लाइव है, सत्र चल रहा है। अब वहां पे क्या होता है, मैं क्लासेस में भी बताता हूं कि सपोज दैट एक सदस्य ने जो है किसी सदस्य को एक थप्पड़ मारा, सपोज दैट मारा, तो एक थप्पड़ मारा तो प्राइवेट चैनल वाला क्या करता है? प्राइवेट जो चैनल है, तमाम चैनल्स जो है, उस खबर को सनसनीखेज बना देंगे। यार सामान्य मनुष्य संसद में पहुंचे हुए, कोई विशेष तो है नहीं, हो गया, गुस्सा आ गया, चल गया, तो अब वहां उसको इतना बड़ा इशू बना देंगे कि उसने एक थप्पड़ मारा, कैसे आज संसद में, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ दिखाएंगे। और उसके बाद उस एक थप्पड़ को 100 थप्पड़ के रूप में वहां दिखा रहे हैं प्राइवेट चैनल पे, एक थप्पड़ फटाफट, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगा एक है, दिख रहा है 100। कैसे दिख रहा है वो? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने जो है उसको इश्यू बना लिया। अब ये संसद ने, लोकसभा ने या राज्यसभा ने वहां पे रोक लगा दी है, फिर भी वो नहीं मान रहे, उन्होंने दिखा दिया, तो उन्होंने किसकी अवमानना की? पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अवमानना कर दी। अब ऐसे में उस न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, प्रसारण पर रोक लगाई जा सकती है, कुछ भी, संसद अपने अधिकार का प्रयोग करके, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने संसद का, संसद की अवमानना की है, जिसके तहत आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद अगर आप देखें कि यहां पर और क्या हो सकता है, तो संसद में जो है अगर कोई भी सदस्य संसदीय गरिमा का हनन करता है तो उसे भी माना जाएगा कि वो सदन की अवमानना कर रहा है। कोई सामान्य व्यक्ति उसका हनन करता है तो अवमानना कर रहा है, जिसके लिए वो संसद पनिशमेंट दे सकती है। तो इस प्रकार के विशेषाधिकार किसके तहत है? अंडर आर्टिकल 105। क्लियर हुआ? अब इससे आगे हम लोग संसद में आते हैं, और संसद में अगली चीज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इस पर हम डिस्कस करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक, संसद की
संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 अंडर आर्टिकल 108 ये प्रोविजन है कि संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक जो है उसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि संसद की बैठक किस कार्य के लिए, उद्देश्य क्या है? इस बैठक का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसकी जो है अधिसूचना, अधिसूचना किसके द्वारा जारी होती है, नोटिफिकेशन। तीसरा, इसकी अध्यक्षता, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। ये तीन पॉइंट हैं। उसके बाद फिर जो है अब अगला आएगा कि यहां पर जो है इसके कोई अगर एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, तो उन पर हम लोग आगे आएंगे। खैर, अलग अलग पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं संसद की संयुक्त बैठक के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, उद्देश्य जो है वो यहां पर जो है सबसे पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, स्पीच या अभिभाषण राष्ट्रपति का, उसके लिए अधिवेशन होता है और उसके लिए दो बार होता है, दो बार होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए। पहला जो है लोकसभा के, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद संसद के प्रथम सत्र में, फर्स्ट सेशन में, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके बाद प्रथम सत्र में नई सरकार बनी है उसकी स्पीच को बोलेगा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, ज्यादातर ये बजट सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक। दूसरा, किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए, पारित करने के लिए, लेकिन कब? जब लोकसभा ने पारित कर दिया हो तथा राज्यसभा उसे पारित ना करे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि किस उद्देश्य के लिए, किस कार्य के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सबसे पहला। राष्ट्रपति दोनों सदनों में अलग अलग जाकर वही स्पीच नहीं देगा, एक कॉमन स्पीच है, दोनों की ज्वाइंट सिटिंग सेंट्रल हॉल में बुला ली गई और वहां वो अभिभाषण दो बार करता है। एक तो जब भी लोकसभा का पांच वर्ष बाद सामान्य निर्वाचन होगा तो उस निर्वाचन के बाद नई सरकार गठित होती है और संसद सदस्यों की जो है वो शपथ ग्रहण वगैरह होता है, तो उस अवसर पर जो है वो अभिभाषण करता है, क्योंकि उसका अभिभाषण सरकार की, इस सरकार की बातें होती है, सरकार के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में जो बजट सेशन होता है, ज्यादातर वो प्रथम सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति सरकार की बात को करता है, मंत्रिपरिषद की बात को करता है वो, कि हमारी सरकार का क्या उद्देश्य है, क्योंकि सरकार का मुखिया कौन होता है, कार्यपालिका, भारत की कार्यपालिका मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से वो काम कर रहा है। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी सामान्य विधेयक को, इस बात को ध्यान देना है, अभी हम इस पर आएंगे भी, किसी जनरल बिल या सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए जब लोकसभा ने पारित कर दिया हो
तथा उसे राज्यसभा पारित ना कर। ऐसा नहीं कि कोई बिल आया और उस बिल को जो है वो ये कहा गया कि अब एक बार लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में पास होगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा करते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते हैं और एक बार जल्दी से पारित कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जनरली जो ये रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है कि अलग अलग ही पास होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अवरोध हो गया, दोनों सदनों के बीच विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक हाउस ने पास कर दिया दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हो गया इसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है अधिसूचना नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी करता है, नोटिफिकेशन। यहां एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा जब अधिसूचना जारी कर दी जाती है उसके बाद संयुक्त बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा, उसके बाद संयुक्त बैठक होगी चाहे लोकसभा भंग ही क्यों ना हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी कि 15 मई को ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, संसद की संयुक्त बैठक है अंडर आर्टिकल 108, और 10 मई तक कुछ ऐसा होता है कि लोकसभा भंग, तो इस बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 15 मई को इसके बाद भी बैठक होगी, अधिसूचना जारी हो गई है तो बैठक की जा सकती है और विधेयक को पास किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है अध्यक्षता। तो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर, जब संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की तो वहां लोकसभा स्पीकर जो है अध्यक्षता करता है, अगर ये अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। कहां का? लोकसभा। लोकसभा का ही अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा, या डिप्टी स्पीकर करेगा, या उपाध्यक्ष करेगा। तो ये तीन पॉइंट्स संयुक्त बैठक में यहां इंपॉर्टेंट थे। अब इसके कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं हम, इनसे रिलेटेड, क्योंकि जो विधेयक की बात आई अभी आपने देखा कि सामान्य विधेयक जनरल बिल ही पास हुई, जनरल बिल की बात आई, सामान्य विधेयक की बात आई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला नोट पॉइंट यहां पर ये है कि संयुक्त बैठक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये पॉइंट, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि सामान्य विधेयक के लिए होती। दूसरा, सामान्य विधेयक जनरल बिल। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई तो कोई सामान्य विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो सामान्य विधेयक हमेशा उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित होता है, यानी आधे से अधिक। ठीक है, हमेशा सामान्य बहुमत, सामान्य विधेयक सामान्य बहुमत से ही पारित होगा, प्रेजेंट मेंबर का 1/2+1। ठीक है, तो सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए, पास करने के लिए अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। ठीक है, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले 1961 में, उसके बाद 1978 में, और उसके बाद 2002, यानी अभी तक 3 ऐसे अवसर आए हैं
जब विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अवरोध के कारण, विरोध के कारण संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए। अब 1961 में जिस विधेयक को पारित करने के लिए बुलाई गई थी वो था दहेज निरोध विधेयक, डाउरी प्रिवेंशन बिल, दहेज निरोध विधेयक या डाउरी प्रिवेंशन बिल। 1978 में जिसके लिए बुलाई गई थी वो था बैंकिंग सुधार विधेयक, बैंकिंग रिफॉर्म बिल या बैंकिंग सुधार विधेयक को पारित करने के लिए बुलाई गई। 2002 में जिसके लिए बुलाई गई थी वो था कोटा विधेयक या कोटा बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने वाले विधेयक, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये लाया गया था। तो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, ये तीनों जो विधेयक थे उसमें ऐसा हुआ था कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, जिसके कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। हालांकि अगर हम देखें तो दोनों सदनों की, अगर हम संसद में बात करें तो आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है। अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए 776 की, जो सॉरी उससे ज्यादा है, ठीक है, तो अगर इनकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए तो क्या होगा, जो 776 तो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है, 14 प्लस हो गए उसमें, ठीक। तो अगर इनकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए तो इसमें जीत किसकी होगी, लोकसभा। तो किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत क्या है, पास तो जो लोकसभा चाहेगी वही होगा, अध्यक्षता भी लोकसभा वाला ही करता है, तो जो बुलाने की जरूरत क्या है। ऐसा इसलिए किया गया है कि लीडर्स को, हमारी नीतियां बनाने वालों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मिलकर बैठे वो और किसी विधेयक पर या बिल पर वो मिलकर बैठकर चर्चा करें। ये जरूरी नहीं, अपनी अपनी तो हर कोई राह अलापता है, अपनी अपनी तो हर कोई सोचता है। आज क्यों आप देखिए हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, ऑफिसर्स से बात करो, धर्मगुरुओं से बात करो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिलकर बैठेंगे तब कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि इस महामारी से हम कैसे बाहर आए। अपनी अपनी राग, आप अपना अपनी राग अलापे रहो, आप अपनी राग अलापे रहो और सब अपने अपने रास्ते पर चलेंगे तो कभी कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो ये प्रावधान इसलिए किया गया कि कभी ऐसी आवश्यकता भी पड़ती है जब विरोध के बावजूद हमें एक साथ बैठकर मिलकर बातें करनी चाहिए और कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रोविजन। अब बात करते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं और वो है संसद की शक्तियां, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की शक्तियां। तो संसद की शक्तियों को हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में प्यास भी लग जाती है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, मैंने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि हम यहां पर जो आपको रिवाइज कराते हैं या किसी भी टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल क्लास के फॉर्म में ही करते हैं, अपनी क्लास के अंदर करते हैं, और उसका उद्देश्य जो है बिल्कुल ये है कि हम आपको अपनी क्लास के फीलिंग्स से जोड़ सकें, क्लास से जोड़ सकें। तो इस उद्देश्य से हम लेकर चलते हैं, इस वजह से जो है आपको उस दृष्टिकोण से यहां पर ध्यान रखना है कि हम अपनी इस, जब एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सामान्य रूप से एक साथ नहीं हो सकते हैं, डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है, तो कम से कम इस माध्यम के द्वारा। तो यहां पर उस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारे जो दिशा परिवार के मेंबर हैं उनके साथ साथ जो भी सदस्य ऐसे वीडियो देख रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको अगर ये फायदा मिल रहा है, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अयोध्या के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अगर फायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है। हमारे अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं या उसके आसपास के बहुत सारे बच्चे तो अभी हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं जो अयोध्या में रहकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हुए हैं, किसी तरह से अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं, घर वालों ने कितना बुलाया नहीं गए, क्यों, क्योंकि कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं से माध्यम मिल रहा है कि अगर हम रुके हुए हैं तो उसका एक फायदा ले रहे हैं और उससे हम कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। तो एक और बात हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड,
और वो है संसद की शक्तियां, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद की शक्तियां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शक्तियां कितने प्रकार की है, देखिए संसद जो है उसे कहा जाता है विधायिका, विधि बनाने वाली इका, लेजिस्लेचर, टू लेजिस्लेट द लॉ, ऐसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है, विधान बनाती है, कानून बनाती है। तो सबसे पहला काम है हमारी संसद का विधि निर्माण, कानून का निर्माण या विधि निर्माण। अभी इस पर आते हैं हम आगे, क्या क्या है हमारी संसद की शक्तियां उस पर हम देख रहे हैं। दूसरा काम है संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ये दूसरा कार्य। तीसरा हमारी संसद का कार्य जो है वो हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एजुकेटिव या सेंट्रल एजुकेटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला हमारी संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है, राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित शक्ति। अभी आते हैं इस पर, क्या है राज्यों से संबंधित शक्ति, राज्यों का निर्माण कर देना, नाम बदल देना, जो भी है। और उसके बाद है संवैधानिक पदाधिकारियों, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को हटाने की शक्ति, संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति, रिमूवल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, रिमूवल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर संसद की शक्तियों को मुख्य रूप से हम देखते हैं तो पांच भागों में बांटा गया है, विधि निर्माण, कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, कार्यपालिका या गवर्नमेंट पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, राज्यों का निर्माण करना, राज्यों का नाम बदलना, या फिर उसके बाद संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति। वन बाई वन आते, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले विधि निर्माण शक्ति, कानून का निर्माण शक्ति। तो विधि निर्माण के अंतर्गत अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल 246 में यह प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि संसद सामान्यतः संघ सूची, हमारे संविधान में जो सूची दी हुई है, संघ सूची व राज्य सूची, सॉरी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के विषयों पर, के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है या विधि निर्माण की शक्ति रखती है। आर्टिकल 246 ये कहता है कि संसद सामान्यतः संघ सूची या यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं विषयों की, तो सबको पता है ये यूनियन लिस्ट में जो शामिल विषय हैं उन पर कानून का निर्माण कर सकती है, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में शामिल विषय उन पर कानून का निर्माण कर सकती है, वो भी सामान्य बहुमत के द्वारा, बाय द जनरल मेजोरिटी, उपस्थित सदस्यों के दो, वो उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत यानी 1/2+1 लोकसभा में और राज्यसभा में, और इस तरह पारित करके इस तरह से कानून बन सकता है। दूसरा, अब यहां पर ये तो हुआ एक सामान्य स्थिति, लेकिन अब इसका अपवाद क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में, फॉलोइंग कंडीशंस में, निम्नलिखित स्थितियों में, इस पर ध्यान देना है आपको, निम्नलिखित स्थितियों में संसद, अब देखिए ये विशेष शक्ति है उसकी, संसद राज्य सूची,
राज सूची जो कि राज्य के लिए होती है, राज्य विधानमंडल की होती है, राज सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, कानून निर्माण या विधि निर्माण कर सकती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि संसद निम्नलिखित परिस्थितियों में, ये एक नोट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर स्टेट लिस्ट, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। अब राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कौन सी स्थितियों में कर सकती है, अगर ऊपर आते हैं तो जैसे पहला है अंडर आर्टिकल 249, यदि 249 के तहत यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, राष्ट्रीय हित का विषय क्या कर दे, घोषित कर दे, या आपने राज्यसभा में भी देखा था। तो ये पहली स्थिति है अंडर आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब दूसरी स्थिति अंडर आर्टिकल 250, यदि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय आपात या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, यदि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लागू है, राज्य के अधिकार सीज हैं, नहीं है उसके पास उस समय, या फिर राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो अंडर आर्टिकल 250 राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 252, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश बिहार एक साथ मिले और उन्होंने संसद केंद्र से कहा कि हमारे लिए एक कॉमन लॉ बना दीजिए, हमारा आपस में जो है वो किसी पुलिस को या किसी भी लॉ को लेकर हमारे विरोध होते रहते हैं, तो एक कॉमन लॉ बना दीजिए, तो अगर ऐसा कोई रिक्वेस्ट होता है तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है उस राज्य सूची के विषय पर। लेकिन ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने इसकी डिमांड की थी, जिन राज्यों ने इसकी मांग की थी, अन्य राज्यों पर नहीं। अगली स्थिति है अंडर आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी या अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, क्योंकि देखिए जब भी केंद्र सरकार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी करती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि करती है, अमेरिका से करे, रूस से करे, फ्रांस से करे, जर्मनी से करे, तो वो किसके इंटरेस्ट में करती है, वो इंटरेस्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित होता है। अब अगर उस राष्ट्रीय हित के लिए किसी राज्य में कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई संधि हुई और राज्य जो है उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो और राज्य की सूची का कोई विषय उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है जैसे लैंड भूमि वगैरह, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे संसद के पास ये शक्ति है कि वो आर्टिकल 253 का प्रयोग करते हुए उस विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा प्रावधान हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। तो अब विधि निर्माण शक्ति के बारे में आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि सामान्य परिस्थिति में संघ सूची और समवर्ती सूची पर असीमित अधिकार है, हमारी संसद कानून बना सकती है, अनन्य अधिकार है उसके पास कानून बनाने का,
लेकिन हमारी संसद के पास एक विशेष शक्ति है, स्पेशल पावर है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। बस ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ये हुआ विधि निर्माण या कानून निर्माण की शक्ति। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, तो हालांकि एक अलग सा चैप्टर है ये, यहां पर हम पार्लियामेंट के पावर के रूप में देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में ये प्रावधान है कि संसद उपस्थित सदस्यों के, आप ध्यान दीजिएगा यहां, प्रेजेंट मेंबर्स के, उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से विधेयक या बिल पारित करके, विधेयक या बिल पारित करके संविधान के अधिकतर प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। संविधान के अधिकतर प्रावधानों को, प्रोविजंस को, प्रावधानों को संशोधित कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है या संशोधित कर सकती है। ये प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर पार्ट 20। ठीक है, संसद उपस्थित सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी से, दोनों हाउस अलग अलग, विधेयक पारित करके, संविधान संशोधन विधेयक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, संविधान के अधिकतर प्रावधानों को संशोधित कर सकती है, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल, ज्यादातर प्रोविजंस को संशोधित कर सकती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, और उसके द्वारा EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया, वो इसी के तहत कि संसद इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति को भी सीमित किया है, संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस शक्ति को सीमित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित किया, ये एक प्रकार से निर्धारित कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाई पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की ये शक्ति संसद की अनन्य है, असीमित है, ऐसा नहीं है, अनन्य असीमित नहीं है। किसके अंतर्गत है ये? बैरियर लग गया, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में नहीं दिया गया, ये निर्धारित कौन करेगा? न्यायपालिका, और उसके द्वारा यहां पर उस पर रोक लगाएगी। हालांकि उसका बहुत ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो संविधान संशोधन के चैप्टर को जब हम कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एजुकेटिव। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण में यहां केंद्र की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका पर नियंत्रण, केंद्र की कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमारे यहां आप जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारी जो संसद है वो हमारे सिस्टम पर, हमारे कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है, उसके कई सारे माध्यमों को अपनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, अगर मिनिस्टर से प्रश्न पूछा जाता है
उनके विभाग उनके मंत्रालय से संबंधित, तो कहीं ना कहीं सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को वहां पर जवाबदेही होती है। तो ये प्रश्न पूछना एक नियंत्रण का माध्यम होता है संसदीय समितियों द्वारा, संसदीय समितियों द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोक, ये अलग से हम लोग देखेंगे, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, विपक्ष का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कई पार्टियों के मेंबर होते हैं, जो सरकार के जो है खर्च का जो भी सीएजी रिपोर्ट देती है उसके लेखा जोखा कहां प्रस्तुत करती है संसद में। तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी समितियां हैं और तमाम प्रवर समिति होती है, ऐसी समितियां प्राकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी होती है जो कहीं ना कहीं कंट्रोल का एक माध्यम होती है, कंट्रोल करती है। डिफरेंट मोशन या विभिन्न प्रस्तावों द्वारा, डिफरेंट मोशन या विभिन्न प्रस्ताव, जैसे फॉर एग्जांपल कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, बजट आया ठीक है, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए लोकसभा में आप देख चुके हैं तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ये डर है कहीं ना कहीं कि हमें हटाने के लिए प्रस्ताव, हमारे बजट में कटौती का प्रस्ताव, ऐसा कुछ भी लाया जा सकता है ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न विधेयकों द्वारा, जैसे धन विधेयक मनी बिल, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल ठीक है, तो विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल, तो ये आप जानते हैं कि आज के आर्थिक युग में सबसे बड़ा कंट्रोल कौन सा है, मनी कंट्रोल। संसद की अनुमति के बिना हमारी कार्यपालिका किसी प्रकार का धन खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि सभी प्रकार का धन भारत की संचित निधि में जमा होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर सरकार को कुछ भी धन खर्च करना है इमरजेंसी फंड के अतिरिक्त, तो इमरजेंसी फंड में भी वहां से लाना होगा, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड कहां पर होंगे, इसके आधार पर कि बिना मनी बिल को पास किए, बिना एप्रोप्रिएशन बिल को पास किए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर पाएंगे जिससे वो कॉन्सोलिडेटेड फंड या हमारे भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान कर पाए। तो ये पूरा कंट्रोल किसका है, ये वित्तीय नियंत्रण है, फाइनेंशियल कंट्रोल है किसका, पार्लियामेंट का, किसके ऊपर, हमारी कार्यपालिका, कि कार्यपालिका बिना इनके परमिशन के इन यहां से धन खर्च नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए यहां पर बिल्स के द्वारा भी ये माध्यम है, ये सामान्य रूप से माध्यम है जिनसे हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, और इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, जहां से फाइनेंशियल कंट्रोल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है ठीक है। अब बात करते हैं, अभी भी है, राज्यों से संबंधित शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति, तो राज्यों से संबंधित शक्ति को अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 3 में है, अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद, हमारी पार्लियामेंट विधि के द्वारा, मतलब सामान्य बहुमत विधि के द्वारा किसी राज्य का गठन कर सकती है, राज्य का गठन कर सकती है, राज्यों की सीमा परिवर्तित कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन या परिवर्तित कर सकती है, और राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। इसके लिए एक बात और ध्यान देना है कि राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, राज्य के द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है, यह कितना महत्वपूर्ण हो गया, राज्य इसके लिए प्रस्ताव करे यह जरूरी नहीं है, तो ऐसा हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ कि ये अधिकार हमारी पार्लियामेंट के पास है, हमारी संसद के पास है।
लेकिन अब यहां पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है कि संसद जो है सामान्य विधि के द्वारा उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, तेलंगाना हो या कोई भी राज्य हो गठित कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया, पौंडचेरी को पुदुचेरी, किसने किया? संसद ने किया। संसद ये कार्य जब करती है तो ये कहा जाता है कि वो भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल देती है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कैन बी चेंज बाय पार्लियामेंट, और ये हमारी संविधान की एकात्मक शक्ति है, यूनिटरी पावर है। किसको मिली है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इस यूनिटरी पावर को कहीं ना कहीं किस रूप में एंजॉय करती है, तो इस अधिकार को हम एकात्मक शक्ति के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है अमीर शक्ति की, संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने की शक्ति। संवैधानिक पदाधिकारियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को हटाने की शक्ति। तो हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी, टू थर्ड मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव या संकल्प के आधार पर, मोशन के आधार पर, प्रस्ताव के आधार पर संवैधानिक पदाधिकारियों को जिनको हटा सकती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट, बाय द स्पेशल मेजोरिटी, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मोशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, जनरली टू थर्ड मेजोरिटी के द्वारा प्रेसिडेंट। अब इसमें सबका वो अलग अलग प्रोसेस है, वो अलग है, लेकिन किसको किसको हटा सकती है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, सीएजी को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनको हटाया तभी जा सकता है जब हमारी संसद ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे, इसके अलावा इनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये भी एक संसद की शक्ति है, पार्लियामेंट की पावर है, जो अन्य किसी के पास नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पार्लियामेंट टू के अंतर्गत, क्योंकि पार्लियामेंट वन में मैंने कुछ आर्टिकल और कुछ सदस्य संख्या के बारे में बात करी थी, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करी थी, पार्लियामेंट टू के अंतर्गत मैंने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैंने डिस्कस किया। आप सभी इनका प्रॉपर नोट्स तैयार करें, हमारी कोशिश यही थी कि आप नोट्स बना लें, इस क्रम में हम इसको लेकर चले हैं, तो आप प्रॉपर नोट्स तैयार करें। और बच्चों, टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहो, टेस्ट पेपर आपको जो भी प्रोवाइड होता है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें वन स्टेटमेंट वन टू में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमने वीडियो को पूरा नहीं देखा, हमने वीडियो को जो है वो देखकर नोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। एक बार दो बार उसको देखिए, उसको समझिए, जितना आप उसको समझेंगे देखेंगे उतना ही आप उसके लिए तैयार होंगे। और निरंतर ये सीरीज हमारी चल रही है, जो इस लॉकडाउन पीरियड में हम रेगुलर चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारे जो भी बच्चे हैं, ऐसे हम दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे पॉलिटी के अतिरिक्त, जो आपके लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स को भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप प्रिपेयर रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो अपने आप से आपको पता चल जाता है जब भी आप ओपन करते हो कि हाँ कोई नया वीडियो जो है आपसे लिंक हो गया है। हालांकि मेरे द्वारा मैसेज भी कर दिया जाता है, बता भी दिया जाता है, और ऐसी चीजें अगर जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए हैं वो उनको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट दिशा परिवार के लिए मैंने कल इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों से आप कनेक्टिविटी बनाए रखिए, और
किसी भी तरह से आप जो है इसमें जो भी अब टॉपिक वाइज समसी सर भी इंग्लिश में टॉपिक वाइज आपके सामने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आप देखते रहिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। थैंक यू, आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है इसको आप बस अपने कॉम्पिटिशन के लिए सजो लीजिएगा और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।